व्यूअर्स, दिस इज़ मी फहद शेख, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज बिजी रूटीन माशाल्लाह अगेन ठीक ठाक, हेक्टिक रूटीन, सुबह सुबह ही उठा दिया काम, डिफरेंट डिफरेंट बैंक जाना है, फलानी जगह जाना है, फलानी जगह जाना है, नाश्ता भी नहीं किया, बस निकला हूँ सुबह से। और अभी भी मतलब एक छोटा सा काम था, गाड़ी को क्लेम करवाना था, स्क्रैचेस वगैरह थे, तो उसको ज़रा ब्यूटी पार्लर लेके जा रहा हूँ यम पम करने, और ज़रा बेहतर लुक निकल आएगी। ऑफकोर्स स्क्रैचेस वगैरह पड़े हों तो अपने आप कोई गाड़ी नहीं अच्छी लगती, तो किसी को किसी को तो बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। तो खैर अभी ठीक ठाक बिजी, ठीक ठाक से याद आया, मतलब मुझे एक कमेंट आया हुआ था कि मैं ठीक ठाक का वर्ड काफ़ी यूज़ करता हूँ, तो ठीक ठाक इन अ सेंस कि एक आदत होती है, मैं अब शॉप पर अक्सर डीलिंग भी करता हूँ तो उसमें फिर ठीक ठाक का वर्ड यूज़ हो जाता है, तो एज सच ठीक है, बर्दाश्त करो। तो खैर अभी छोटा कैंट मोटर जा रहा हूँ, वहाँ पे सर्वेयर आया हुआ, और उसको गाड़ी हैंड ओवर करूँगा, फिर वापस निकलूँगा, शॉप पे ही आऊँगा सीधा। अब मेरी अब ऐसा तो नहीं है कि वो छोटा को पराठो बना देंगे, बट इसका बिफ़ोर आफ्टर ज़रूर दिखाऊंगा कि बिफ़ोर अभी क्या इसकी अजीब गंदी हालत हुई हुई है, और आफ्टर में ऑफकोर्स इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगी, तो वो भी दिखाता हूँ आज आपको। ये आल्फा क्रीम टावर हमारे घर से काफ़ी दूर है, बट ये हमारी छत से नज़र आता है, हमारा घर भी जो आईफिल टावर से कम नहीं है। अच्छा, अब आप गाड़ी की हालत चेक करें, इट्स जस्ट लाइक जैसे कोई पहाड़ी इलाकों में हो के आई है, और बड़ी बुरी तरीके से, बट ऐसा कुछ नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारी स्ट्रीट जो है वहाँ पे टफ टाइल लग रही थी, तो इस वजह से कुछ ज़्यादा ही बुरी हालत है, कुछ यूज़ में भी नहीं थी खैर, क्योंकि काफ़ी अर्सा निकली नहीं, इसलिए काफ़ी हालत ख़राब हुई हुई है। तो अभी इंशाल्लाह इसको बेहतर करवाएंगे, और बेहतर हो जाएगी इंशाल्लाह, फिर दिखाता हूँ। गाड़ी देखे आपका भाई निकल रहा है ऊबर करीम पे, ड्राइवर थोड़ा बिजी था, अभी ऊबर आ रही है, फिर उस पर सीधा शॉप पे जाऊंगा, उम्मीद है गाड़ी 3-4 दिन में मिल जाएगी। तो अभी इसका बिफोर जो है वो तो चलें वीडियो में दिखाता हूँ, बाकी आफ्टर जो है उसको 3-4 दिन लगेंगे, गाड़ी का इंतहाई बुरा हाल हुआ हुआ था तो देनी ज़रूरी थी। शॉप पे तो मैं आ गया था, उसके बाद मैं वो वीडियो कंटिन्यू नहीं कर सका। अभी खैर माशाल्लाह अच्छा रहा, दिन बिजी था इसीलिए कुछ नहीं बना सका, तो अब खैर कुछ माइंड फ्रेश करने के लिए अगेन स्नूकर जा रहे हैं, मैं और नदीम भाई जा रहे हैं, लेट्स सी आज क्या बनता है। रिसेंटली मेरी बड़ी बैड लक गई थी, मैंने वीडियो बनाई थी, बट अपनी बैड लक की वजह से वो मैं शेयर नहीं कर सका, करने का दिल ही नहीं किया। हाँ जी, बेसिक है, तो अल्लाह खैर करे, अल्लाह करे आज कुछ बेहतर मामला हो जाए मेरे साथ। अब इसके बाद मेरे साथ क्या हुआ होगा आप लोग समझ सकते हैं, दिखाना नहीं चाह रहा यार, वो बनाई भी नहीं वीडियो। पहली गेम नो डाउट बहुत अच्छी गई, दूसरी उससे भी अच्छी गई, बट दूसरी गेम नदीम भाई जीते, फाइनल में उन्होंने ऐसा मुझे तोता लगाया, हैवी किस्म का तोता सरफ एक्सल। तो जनाब हैवी गेम खाने के बाद अब अपने हाथ से खुद भुना हुआ कीमा बना रहा हूँ, अब वो खाऊंगा। ताकि हम लोग उनको मिलने आ रहे हैं, हादिया की बेसिक मामा को और इज़ल अपनी नानों को मिलने जा रही है सरप्राइजिंगली, तो अभी उनको सरप्राइज देते हैं क्या सीन है, उनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं, सो रहे होंगे आई गेस इस टाइम। तो ये अरसा दराज बाद बड़ा रेयर इत्तेफाक होने लगा है कि हम लोग हैनन बन के आगे से गुजर रहे हैं और खाएँगे नहीं क्योंकि लेट हैं ऑलरेडी। ये माशाल्लाह इनके घर के बाहर की सिचुएशन, बहुत हाई लेवल की ठंड यहाँ पे, बहुत डिफरेंस है एज़ कम्पेयर टू समनाबाद। ये हादिया सिक्योरिटी की निगरानी में उनकी मशीन तोड़ते हुए, शुक्र है बचत हो गई आई गेस। हाँ जी 100 तो कितने, ये
ठंड इस कदर नाकाबले बर्दाश्त के मतलब ज़्यादा देर नहीं रुक सकते, इसलिए फौरी घर निकल रहे हैं। बाकी आप लोगों की सपोर्ट एज इट इज़ चाहिए, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें लाजमी, और इसको आगे शेयर करें और ये सिलसिले को जो है कंटिन्यू रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।